मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स की तरफ से। दोस्तों, क्वेश्चन आते जा रहे हैं, मैं जवाब देता जा रहा हूं, आपके सामने हैं। कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछिए। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं हर्ष धवन आपको इस करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स चैनल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, एजुकेशन, करियर और जॉब से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चन का जवाब देता रहूंगा। सो बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो पूछा है मिस्टर गगन सिंह ने। वो पूछ रहे हैं कि स्पोर्ट्स वियर कौन कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं। मिस्टर गगन सिंह, मजा आ जाएगा आपको अगर स्पोर्ट्स वियर में आप हैं, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और अगर एक्सपोर्ट में चले गए। क्यों? क्योंकि देखिए, सोचिए, एक ट्रेंड आ चुका है जिम का, स्पोर्ट्स वियर चाहिए। एक ट्रेंड आ चुका है रनिंग का, एक ट्रेंड आ चुका है साइकिलिंग का, तो स्पोर्ट्स वियर हर किसी को चाहिए। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में से, या मैं अगर इंडिया की किसी भी स्टेट, मैं अपनी स्टेट की बात करता हूं, दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में हर घर में से एक या दो लोग जिम जाते जाते हैं। या तो कोई पार्क जा रहा होगा, गर्मियां आ गई है, किसी ने स्विमिंग ज्वाइन की होगी, किसी ने साइकिलिंग ज्वाइन की होगी, तो स्पोर्ट्स वियर चाहिए चाहिए। अब ये सिर्फ अपनी स्टेट की ही बात नहीं कर रहा, या दिल्ली या किसी और स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। पूरे वर्ल्ड में अच्छी खासी डिमांड है, इसीलिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को एक मिथ हो जाता है, पता नहीं ये प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, इस प्रोडक्ट का सिलेक्शन करूं ना करूं। तो जब इतना बड़ा वर्ल्ड है, डिमांड आपके सामने है, स्पोर्ट्स वियर हर किसी को चाहिए चाहिए। जिम में कोई जीन्स डाल के नहीं जाएगा, ट्राउजर डाल के नहीं जाएगा, ब्लेजर डाल के नहीं जाएगा, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स वियर चाहिए। एक जिम में नाना करते करते 100 से 200 लोग एक दिन में आते हैं कम से कम, ये कम से कम एवरेज है। तो खुद सोचिए, पूरे वर्ल्ड में कितने जिम हैं, पूरे वर्ल्ड में कितने एथलीट्स हैं, पूरे वर्ल्ड का कितना क्राउड है। ये क्राउड सारा आपका है, ये मार्केट सारी आपकी है। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करिए, क्योंकि स्पोर्ट्स वियर में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। पता लगे एक बार ऑर्डर लिया आपने, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया, उसके बाद ऑर्डर ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जो कस्टमर स्पोर्ट्स वियर यूज करता है वो अपना कंफर्ट, फिटिंग, क्वालिटी सब चीजें देखता है। सो क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करिएगा। सेल बहुत अच्छी होगी, ऑर्डर बहुत अच्छा होगा, ऑब्वियसली मार्जिन भी अच्छे खासे हैं, ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन आपका ट्रेड है तो आप ज़रूर जानते होंगे। अगर आप बिगनर हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकली आके सीख सकते हैं। यहाँ नहीं आ सकते तो घर बैठ के सीख सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे अच्छी कंट्रीज कौन सी हैं, यानी सबसे अच्छे इंपोर्टर कौन से हैं, यहां से कौन सी कंट्री से एक्सपोर्ट होता है। सबसे ज्यादा यूके, यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, आपका फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, फ्रांस, मार्जन ही मार्जन है। और भी बहुत देशों में एक्सपोर्ट होता है, ये तो अभी मैंने शुरुआत की है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में टाइप करिए #AskExportExperts और इसके बाद अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं जवाब देता रहूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।